अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। अगर आप इस एपिसोड तक पहुंच गए हैं तो उम्मीद है कि आपने पहला और दूसरा एपिसोड लाजमी देख लिया होगा। अगर आपने मेहरू रेस्टोरेशन का पहला दूसरा एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी से जाके वो देखें। और अब हम बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो आपको ये तो पता लग गया है कि जो मेहरू की हार्ट सर्जरी है वो कंप्लीट हो चुकी है और मेहरू रोड्स के ऊपर चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। और मेरी ठंडी महरान का जो ख्वाब है ना वो बिल्कुल हकीकत के करीब तरीन पहुंचता जा रहा है। तो यार आपको पता ही होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर जब इंजन उसका कंप्लीट हो गया था ना, तो उसके बाद हमने उस गाड़ी के अंदर एसी लगवाना था। और एसी लगवाने के लिए हम लोगों ने जाना था यासीन कार एसी के ऊपर, जहां पे बिलाल भी जो है वो बिल्कुल एक्सपर्ट किस्म के आदमी, और उन्होंने मुझे बताना था कि गाड़ी के अंदर एसी कैसे लगना है। तो आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने ये भी कहा था कि यार हमें एक मसला पेश आ गया था। तो बात यहां से स्टार्ट होती है जब मैं यासीन भाई के पास पहुंचा ना कि यार ये मेहरू का इंजन बिल्कुल टाना टाना हो गया है, चलें जी इसके अंदर एसी लगा ले। तो उन्होंने मुझे एक काम बता दिया, और वो काम पता है क्या था? वो काम था यार इस गाड़ी की रनिंग पूरी करना। और रनिंग भी कोई छोटा मोटा मजाक नहीं था। उन्होंने कहा कि यार इस गाड़ी के ऊपर आपने 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है। मैंने कहा यार एक दिन का टाइम है, 1000 किलोमीटर मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ, और वो भी 60 की स्पीड पे। तो मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि यार अगर 60 की स्पीड के ऊपर मैंने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलानी हो ना, तो 24 घंटे पूरे दिन के अंदर होते हैं, 16-17 घंटे गाड़ी चलाना कोई आसान काम तो है नहीं। तो फिर मैंने यासीन भाई से और जो इंजीनियर्स थे उनसे बात की। मैंने कहा यार कोई जरा साइड का कोई शॉर्टकट वगैरह बता दें। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम इस तरह कर सकते हैं कि आप ये करें कि जो गाड़ी है उसको तकरीबन 400-500 किलोमीटर जो है वो रोड पर चला लें, और बाकी जो आपने टाइम की रनिंग पूरी करनी है ना उसके लिए आप गाड़ी को भी 6-7 घंटे खड़ा छोड़ दें। तो मैंने कहा यार ये फिर भी मुझे समझ आता है। तो बस फिर आपके भाई ने फैसला किया कि गाड़ी को पहले स्टार्ट छोड़ते हैं। तो हमने 6-7 घंटे गाड़ी को स्टार्ट छोड़ा, और उसके बाद आपका भाई निकल गया रनिंग पूरी करने। तो यार रनिंग की कहानी कुछ ये है कि अगर आप लोगों ने लाहौर शहर के अंदर रनिंग पूरी करनी है ना, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी दी हुई है। उस चीज़ का नाम है रिंग रोड। तो रिंग रोड के ऊपर आपके भाई ने जो है वो रात का टाइम गाड़ी चलाई। तो बस फिर 6:30 बजे आपके भाई ने जो है वो फ्यूल भरवाया ऑफिस से फ्री होने के बाद, और हरबंसपुरा जो इंटरचेंज है ना रिंग रोड का, वहाँ से चढ़ गया रिंग रोड के ऊपर टूवर्ड्स ठोकर। और आपका भाई जाता गया। तो लाहौर रिंग रोड का एंड होता है मुल्तान रोड के ऊपर। तो वहाँ तक गाड़ी मेरी तकरीबन चल गई थी 54 किलोमीटर। वहाँ से मैंने वापस गाड़ी को रिंग रोड पर चढ़ाया और मैं चला गया आज़ादी चौक, जहाँ पर आपको बता होगा मीनार पाकिस्तान वगैरह। तो वहाँ से लेके वहाँ तक गाड़ी चली 70 किलोमीटर। बस फिर यही चीज़ मैंने दो दफ़ा दोबारा की। मतलब मैं पहले आज़ादी चौक से दोबारा गया, मतलब बिल्कुल एंड पे मुल्तान रोड, फिर मुल्तान रोड से दोबारा आज़ादी चौक से दोबारा क्या कहते हैं मुल्तान रोड से वापस हरबंसपुरे के ऊपर जाके मैं उतरा। तो इस सारी कहानी के अंदर जो है ना मेरी गाड़ी तकरीबन जो है आप कह सकते हैं कि 400-425 किलोमीटर चल गई थी। तो उस दिन आपके भाई ने अपनी जो रात है ना वो रिंग रोड के ऊपर ही गुजारी है, क्योंकि मुझे तकरीबन 8 बजे से लेकर रात 3 बजे तकरीबन 7-8 घंटे लगे रनिंग पूरी। तो वैलेंशिया के ग्राज से जो मैंने मेहरू की लाश उठाई थी ना, वो वाली कहानी अब फाइनली अपने अख्ताम की तरफ जा रही थी, क्योंकि इंजीनियर जो उसका इंजन था वो बिल्कुल ओके कर दिया था। मैंने भी गाड़ी को तकरीबन 400-500 किलोमीटर चला के देख लिया था। गाड़ी बिल्कुल जिसे कह सकते हैं ना कि टन कंडीशन के अंदर चल रही थी, मतलब 10/10 इंजन के साथ। तो उसके बाद मैंने जाना था गाड़ी का अंदर एसी लगवाने। तो बस फिर मैं अपनी मेहरू को लेकर चला गया यासीन कार एसी के ऊपर, और वहाँ पे जो बिलाल भाई है ना, मैंने उनको कहा यार ये लें आपकी गाड़ी, चलें जी इसमें एसी लगा दें। लेकिन यासीन भाई ने पता है मुझे सर इस बेचारी का कुछ हो सकता है। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ इंजन वगैरह परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ये छोटी गाड़ियाँ जितनी है ना मेहरान कल्टस वगैरह पुरानी हीटअप होती, मोस्टली मेहरान जो है ना उसमें एसी अच्छा लगा देना, गाड़ी हीटअप होना शुरू हो जाती। ये सुनते साथ ही आपके भाई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और मुझे वही सारी पुरानी बातें याद आ गई। यार मुश्किल है, चल जाएगा तो पता नहीं, लग जाएगा कि नहीं, ये पहली बात है, इस पे आप गौर करें। मेहरान में यार तेरा दिमाग ठीक है, मेहरान में इसी कहाँ चलना है दादा, मेहरान और इसी छत तुलवा लें उसकी। लेकिन फिर मैंने कहा यार इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जो बिलाल भाई ना यार वो है तो मास्टर आदमी। तो उनके साथ फिर बैठ के मैंने प्रॉपर डिस्कशन की यार इसके अंदर एसी कैसे लग सकता है। तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि यार इसके अंदर एसी लगवाने के लिए ना आपको काफ़ी ज़्यादा ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर मसला ही कोई नहीं है, बस एसी चलना चाहिए और गाड़ी को हीट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा टेंशन ना लो हो जाएगा। तो उन्होंने फिर स्पेशल बिलालगंज से एक बंदा बुलवाया जिसने आके प्रॉपर मेहरान के अंदर जो है ना डक्टिंग का सारा काम किया। अब मेरी जो मेहरान थी ना उसके अंदर सिरे से एसी का सेटअप नहीं था, मतलब उसके अंदर ब्लोअर भी नहीं था, कंप्रेसर वगैरह कुछ भी नहीं था। और इसके अलावा जो गाड़ी के अंदर डक्टिंग हुई होती है ना, जो पाइप्स होते हैं जिसके अंदर हवा फ्लो करके आती है, उसका भी कोई सेटअप नहीं था। तो बिलाल भाई ने स्पेशल जब बंदा बुलवाया उसने आके सारा उसके अंदर जो वॉशिंग मशीन के पाइप्स ही देखे आपने, वो वाले पाइप्स लगा के गाड़ी के अंदर पूरा एयर फ्लो का सेटअप बनाया। उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें थी ना बिलाल भाई ने, वो सारा का सारा काम उन्होंने अपने हाथ से किया। अब मेहरान के अंदर एसी लगाना ऐसे से जैसे रक्षे के अंदर रूट बिठाने की एग्जांपल होती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड खुला, उसके बाद सारा सामान वगैरह लगा, फिर दोबारा से डैशबोर्ड लगा, सारी फिटिंग हो गई। अब इस सारे काम के अंदर तकरीबन 7-8 घंटे लग गए। तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और टाइम हो गया था रात के 11:30, और तारीख थी 2 तारीख, और 3 जुलाई को आपके भाई की बर्थडे थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अल्लाह ताला ने जो है ना पूरा जो माहौल बनाया हुआ ना, ये इसीलिए बनाया हुआ कि मेरी अपनी सालगिरह के दिन मुझे ऐसी गाड़ी मिले, मतलब जो मेरा बचपन का ख्वाब था ठंडी मेहरान का, वो आज रात पूरा होगा और मेहरू फुल रेडी हो जाएगी। लेकिन यार कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एग्जैक्ट जब 12 बजे ना, तो उस टाइम यासीन भाई ने जो है मुझे खुशखबरी सुना दी। तो यार रात का तकरीबन 1 बज रहा है, और पूरी मेहनत के बाद, काफ़ी ट्राई करने के बाद मेहरू के अंदर जो एसी है वो नहीं सही से इंस्टॉल हो सका। उसके अंदर कोई लीकेज आ गई थी उसके वेपरेटर के अंदर,
तो वो अब ठीक होगा और उसके लिए जो है वो भाई बिलाल भाई जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुझे महरू को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा, तो अलविदा कहते हैं महरू को और फिर निकलते हैं। तो इस सब को सुन के मैं उदास तो अच्छा खासा हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो फिर गाड़ी को मुझे वहीं पे छोड़ के आना पड़ा। और अगले दिन जब आपका भाई गया ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके बस एक आधा घंटे का काम था, क्योंकि गाड़ी के अंदर एक लीकेज आ गई थी। इस सारे प्रोसेस के बाद गाड़ी के अंदर जब सब कुछ फाइनल हो गया, आपके भाई ने गाड़ी को सल्फ दिया, और उसके बाद जब गाड़ी का फैन ऑन हुआ है, मैं कहता हूँ गाड़ी के अंदर से कुछ ठंडी ठंडी हवाएं आई हैं एसी चलने के बाद, मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गाड़ी की एसी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी। तो भाई आपका बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ठंडी महरान का ख्वाब जो आपके भाई का बचपन से चला आ रहा था ना, वो पूरा हो गया हुआ था। तो अब गाड़ी फाइनली अपने फुल ऑन रनिंग कंडीशन के अंदर आ चुकी हुई थी, और गाड़ी का एसी भी बेहतरीन किस्म का काम कर रहा था। अब मुझे चाहिए थी गाड़ी की फाइनल लुक, जिसके लिए आपके भाई को जो है सिर्फ एक से दो घंटे लगे। तो उसके बाद आपका भाई लेके चला गया गाड़ी की लाइटों के ऊपर, क्योंकि गाड़ी की लाइटें जो पीछे वाली थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैंने गाड़ी की लाइट चेंज करवाई, उसके बाद जो शीशे थे वो टूटे हुए थे। अब शीशों के अंदर महरान के ये मसला आता है कि आपके जो ओरिजिनल मार्केट से शीशे मिलते हैं ना, उनके अंदर आपको बैक पर कुछ नजर नहीं आता। तो इसके अंदर एक जरा बड़े साइज के शीशे मिलते हैं, जिसके अंदर आपको पीछे का बड़ा अच्छा व्यू मिलता है। मैंने इसमें वो वाले शीशे लगवाए। फिर जो गाड़ी के ऊपर कड़े लगे हुए थे, उन कड़ों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उनकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। मतलब उसके ऊपर एक आधी बारिश के बाद ही ना, अगर आप उन्हें अच्छे से साफ भी करते हैं ना, फिर भी जंग आ जाता, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत हल्की होती है। तो मैंने सोचा कि यार गाड़ी को मेंटेन करने में ये चीज़ें तंग करेंगी, तो मैंने वो कड़े निकाले और उसकी जगह मैंने प्लास्टिक के कवर लगा दिए। तो इसके बाद आपके भाई ने जाके गाड़ी को वॉश करवाया, और गाड़ी वॉश के बाद जो चमचम करके लगना शुरू हो गई थी ना, वो बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसी महरू को मैंने पहली दफ़ा देखा था जब वो 2005 में मेरे घर आई थी। तो ये 0 मीटर महरान अब बिल्कुल रेडी थी। तो अब आप लोगों का मूड हो रहा होगा कि यार इस गाड़ी के बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स देखें, ये पता करें कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट क्या आई है, और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, ये वाला जो है ना, बस आपने एक एपिसोड और इंतजार करना है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यार स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि यार इस गाड़ी के ऊपर कॉस्ट कितनी लगी, इसके ऊपर टाइम कितना लगा, और ये सारी चीज़ें वगैरह मैंने कितने में रेंज की, कहाँ से रेंज की, ये सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो बस अब आपने पता क्या करना है, बताया हुआ यार पहले भी बात हुई है, बस आपने फॉलो वगैरह करके जाना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, और कमेंट में हमें लाजमी बताना कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। और महरू के लिए एक हार्ट तो छोड़ के जानी होता है ना। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।